पहले भी आ चुके हो या पहली बार आए हो? मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो कैसा लगता है यहाँ? मुझे आकर बहुत ही अच्छा लगा है कि जो यहाँ की हरियाणा सरकार का जो कला और सांस्कृतिक विभाग है और ये जो फल्गु समिति है इस ग्राम की, उसने मिलकर जो आयोजन किया है, यानी कि स्थानीय स्तर पर वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ही हर कण कण में कोई ना कोई एक इतिहास छुपा है, लेकिन यहाँ का इतिहास अभी जैसे इनके सचिव साहब यहाँ पर बता रहे थे, मैं सुन रहा था, तो बहुत ही रोमांचित करने वाला है। और भारत के कण कण में इस प्रकार का इतिहास है जिसका जन जागरण होना भी चाहिए। कैसा लगता है आयोजन जी? देखिए, ये आयोजन करके तो निसंदेह सांस्कृतिक आयोजन हमारे भारत में कहीं भी हो एक नई जीवंतता पैदा करते हैं, अच्छा लगता है। परंपराएं, संस्कृति, संस्कार बने रहने चाहिए, बस उसी का प्रयास है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसका एक ही संदेश है, जैसा मतलब पूरे भारत को ही पता है, जैसा अभी बात हो रही थी उपेंद्र सिंघल जी बता रहे थे कि फल्गु मेला आता है सोमवती अमावस्या के अनुसार। अब सोमवती अमावस्या कई बार सालों में आती है, तो उससे क्या हो रहा है कि बड़ा अंतराल आता है, जैसे अब 18 के बाद 28 में, तो उस अंतराल को ख़त्म करने के लिए, एक नई परंपरा का निर्माण करने के लिए ये वार्षिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है।